नमस्कार और आप देख रहे हैं टुडे भारत लाइव नो। एक बड़ी खबर आ रही है जनपद कुशीनगर से। राजस्व टीम के खिलाफ इंद्रपट्टी के ताद टोला में किया गया पंचायत। उमड़े हजारों लोग, कल ग्रामीण डीएम से करेंगे मुलाकात। कुशीनगर जनपद के तहसील तमकोहीराज थाना विष्णुपुरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा ठारी वार्ड के इंद्रपट्टी ताद टोले में बीते 23 नवंबर 2022 को तहसीलदार तमकुराज कानगो दुधई अपने राजस्व टीम सहित 17 थानों की पुलिस फोर्स व 2 को पलटन पीएससी के साथ पहुंचे और ताद टोला निवासी सुभाष रामस्वरूप केशवर उमेश रामजीत पुत्रगण दयाली यादव का घर जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया, जिसके विरोध में आज महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के हजारों लोग ने पंचायत में भाग लिया और प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। पंचायत में मौजूद पीड़ित परिवार के सुभाष रामस्वरूप केशवर उमेश रामजीत ने बताया कि हम लोगों ने हाई कोर्ट में उप जिलाधिकारी तमकुहीराज के आदेश दिनांक 10/10/2022 के विरुद्ध मामला चल रहा है, जिसमें माननीय हाई कोर्ट न्यायालय द्वारा उप जिलाधिकारी तमकुहीराज से आख्यात तलब की गई है। फिलहाल यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राजस्व टीम को विपक्षियों द्वारा 3 लाख का रिश्वत दिया गया, जिसके चलते राजस्व अधिकारियों ने हाई कोर्ट में विचाराधीन याचिका होने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा गरीबों के छत पर बुलडोजर चलवा दिया गया, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेताया है कि जल्द मामले में न्यायोचित कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। इसको लेकर ग्रामीण कल जिला अधिकारी कुशीनगर से मिलकर ज्ञापन सौंप निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करेंगे। इसी प्रकरण से सैकड़ों परिवार डरे व सहमे हुए हैं। इनका कहना है कि इसी तरह हम लोग भी खुशकी बैनामा के आधार पर जमीन खरीदते हैं, यही आलम रहा तो पूरे गाँव को उजड़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरा गांव ही पट्टे की भूमि बसा है। यही कारण है कि सबको घर से बेघर होने का डर सता रहा है। यह मामला पूरे क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। 23 तारीख को लोग आए थे, उजाड़ के चले गए। 23 तारीख को आए थे लोग, उजाड़ कर चले गए। उस मामले में पहला रीट याचिका 99/74/2022 हाईकोर्ट में विश्वनाथ ने दाखिल किया था। उसमें 11/5/2022 को एक आर्डर की प्रतिलिपि आई कि एसडीएम साहब डिसाइड दोनों पक्षों को बुला कर करें। उसमें जो रीट की कॉपी आई थी, एसडीएम साहब के सामने बयान दिलवाया गया। पूरा जितने ये लोग थे गए थे, जाकर बयान दिए वहाँ पे, अपना बयान, पांचों भाइयों का बयान और उनका दोनों का बयान वहाँ पे क्लियर किया गया। क्लियर होने के बाद रीट की कॉपी के लिए बार बार कहा गया है कि रीट की कॉपी हाईकोर्ट भेजवाया जाए, जिसमें पार्टी बनने के लिए उमेश यादव को भेज कर पार्टी बनवा दिया गया। पार्टी बनवाने के बावजूद भी एसडीएम साहब ने बीच में एक बार अतिक्रमण फिर फैलाया, जिसमें कि उमेश यादव को देवरिया जेल जाना पड़ा। उसके उपरांत जब देवरिया जेल में उमेश यादव थे, उस समय सुभाष यादव को भेजकर हाईकोर्ट में एक रीट याचिका अपने तरफ से दाखिल किया गया, जिसका रीट संख्या है 33001/2022। उसमें 11/5/2022 जो विपक्षी का आर्डर था, उस आर्डर के खिलाफ पहला आर्डर मेरा 4/11/2022 को मिला। उसके बाद क्या आर्डर मिला था? उसमें आर्डर मिला था कि ये जो लिखित हुआ है खुशकी बनामे के तौर पे हुआ है, जायजियन इसी का है। उसके बाद जब वहाँ विपक्षी वकील जो थे हाईकोर्ट में, उन्होंने इस चीज़ को प्रेरणा करके प्रार्थना करके जज महोदय के सामने और उसको रोका कि मुझे समय दिया जाए। जब समय मांग किए तो उनको समय मिला 18/11/2022 तक। 18/11/2022 में उनको समय मिल दिया गया। उस समय भी उनके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जिस पे वो मुकदमा हो सके, उस समय भी वो खड़े नहीं हो पाए। उसके बाद तीसरा डेट लगा 29/11/2022, वो भी इन्हीं के हक में आर्डर है। किसी आर्डर में नहीं लिखा है हाईकोर्ट ने कि जाकर घर ध्वस्त कर दो। तो ये एसडीएम साहब आए थे और तहसीलदार साहब आए थे तोड़वाने के लिए, उसके पहले तो आप लोगों को नोटिस कोई मिला था? उससे पहले जब सूचना मिला कि चूना गिरवा रहे हैं, तो उसी कॉपी को हाईकोर्ट की सूचना मिला 22 तारीख को कि ये गिरवा रहे हैं चूना, कानगोय साहब आकर चूना गिरवा रहे थे उस समय। उनका नाम है ओम प्रकाश कानगोय, सबसे मनभर घमंडी और धन कमाऊ व्यक्ति हैं। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, एक बार एविडेंस देकर काम किया जाए तो किसी की क्षति नहीं होगी।
उसमें क्या किया गया कि जब गए वहाँ पे तो डीएम साहब के पास रखा गया। डीएम साहब की एक प्रतिलिपि है जिसपे उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि प्रकरण की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जाए। उन्होंने प्रतिलिपि आर्डर उनकी आदेश की कॉपी एसडीएम साहब के पास भेजा गया, थाने पे भेजा गया, हर किसी के हाथ में भेजा गया कि वो देखें कि हाँ क्या लिखा है इसमें। लेकिन उन्होंने कहा कि वे सब फर्जी है, मुझे उससे मतलब नहीं है। उसके बाद इन्होंने दिखाया कि हाँ तारीख चल रहा है। मैंने उस वक्त एसडीएम साहब के पास उनके पर्सनल नंबर पे, नंबर भी बताऊं इसमें उनका नंबर क्या है, उनके पर्सनल नंबर पे बात किया गया कि सर अभी हाईकोर्ट अपेंडेड है, जब डिसाइड हाईकोर्ट ने किसी के पक्ष में नहीं दिया तो ऐसा अन्याय आप क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ से ये निकल चुका है और हाईकोर्ट अपेंडेड है, तो जब आएगा उस समय देखा जाएगा। तो मैं बोला उस पर कि अपेंडेड है और उस समय आएगा देखा जाएगा, तो अभी तो रोकिए कि घर टूट रहा है उसको रोकिए। उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। घर टूटने के बाद जब फ़ोन करके उनसे बात किया गया तो उसमें ये जवाब दिए कि मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन गया तोड़ने के लिए, ना मैं कोई आदेश दिया हूँ। चूंकि उनकी आदेश की कॉपी 10/10/2022 की सामने पड़ी है। जो इलाहाबाद में रिट दाखिल किए हैं कितने लोगों के विरुद्ध है? दो आदमी के विरुद्ध है, क्या बोलते हैं, सात आदमी के विरुद्ध है। सात लोगों की तरफ से आप लड़ विश्वनाथ सिंह? हाँ, सात आदमी की तरफ से हम लड़ रहे हैं। अब कितने लोग हैं विपक्षी? विपक्षी में भी सात ही आदमी है। कुल रकबा 48 डिसमिल है। अराजी नंबर 391 छामी है। ये कब, ये सन 2007 में ही बिक्रय विलय किए ये विश्वनाथ और सिमनाथ ने। 75,000 रुपया लेकर खुशकी बनाने के आधार पर उनकी फोटो, अंगूठा निशान, सारा चीज उस पर उपस्थित है। इस अराजी नंबर में लगभग कितने लोगों का घर बना हुआ है? इस अराजी नंबर में लगभग 500 से ऊपर लोग बस गए। कहाँ के हैं ये सब? कटाव के हैं, नदी के उस पार के हैं, ये कटाव के लोग हैं सब। एक मामला आप लोग एप्लीकेशन दिए हैं जिला अधिकारी को कि मामला अभी प्रचलित है मुख्य न्यायालय इलाहाबाद में, उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में इलाहाबाद में। इसमें क्या कहे डीएम साहब ने, क्या बताया? डीएम साहब ने आदेश किया कि मौके पर जाकर इस कागज को दिया जाए ताकि वो रुके। जब विचाराधीन है, मुकदमा पेंडिंग हो गया है, तो हाईकोर्ट जब बंद है तो इस आदेश को फॉरवर्ड, आगे की तरफ फॉरवर्ड करके और वहीं पर उसको स्थगन किया जाए। और ये लोग कब से यहाँ पे हैं, जितने लोग बसे हैं? ये लोग तो, बाकी लोग तो जितने यहाँ पे बसे हैं 1997-98 से यहाँ पे बस गए थे ये लोग। और नदी की कटाव जो की थी उस समय 93-94 की ये बात है, उस समय बहुत दिक्कत हुआ था, सभी लोग आए, उस समय किसी के पास कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ के जो भी अन्य लोग हैं पहले से जो थे, उन्होंने अपना अपना जमीन सिकमी बनामे, खुशकी बनामे के आधार पर उन्होंने लिख दिया पैसा लेकर, जिनके सबके पास कागजात है उसका। अब क्या कह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन इस चीज़ को नज़रअंदाज करके इस घटना को अंजाम दिया है, इनका घर तोड़ दिया। एक बार भी प्रशासन ने नहीं सोचा कि सबसे बड़ा गुनहगार वो है जो पहले बेचा है, उसको सोचना चाहिए कि उसको जमीन जब सरकार ने दी थी खाने के लिए तो बेचा क्यों। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी लाइव टीवी चैनल पर मैं बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन है कि आपने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए ये परियोजन किया है या धन उगाही परियोजन चल रहा है, इस पर नज़रअंदाज इसको ना किया जाए, इस पर गहराई से इसकी जांच कराई जाए कि किस आर्डर पे एसडीएम महोदय ने घर को तोड़वाए हैं। 23 तारीख को लोग आए थे उजाड़ने, इसमें कितने की क्षति हुई है, कितने लोगों का? इसमें सबकी क्षति हुई है। कितने का नुकसान हुआ है? इसमें 2.5 से 3 लाख का नुकसान हुआ। आगे आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आगे हम मांग कर रहे हैं कि किस आधार पे उजाड़ा गया है, और उजाड़ा गया क्यों, उजाड़ा गया और उसने बेचा क्यों जब छीनना था तो।